वैसे यहाँ से उतना इजी तो नहीं है, काफी टफ है, पर मजेदार ट्रैक है। बीच में घने घने जंगल हैं, बुग्याल हैं और अनेकों झरने हैं। ये वाले चावल ना पक्षियों के लिए काम आ जाएंगे। अब निकल चुके हैं हम लोग भी यहाँ से अपने घर के लिए। पहाड़ों में कुछ ऐसे जो दिक्कतें हैं वो होती हैं। चलो अब फिलहाल मैं भी कैलाश भाई से विदा लेता हूँ, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। अब देखो छोटू भी आ गया स्कूल से और इसको भी मैं अपने साथ लेके आ गया। इसको भी दोनों स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर से ट्रैक हो सकता है। तो फिलहाल अपने मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, करीब अभी सुबह के 7:30 हो रहा है और आज देखो बिल्कुल मस्त करके मौसम बना हुआ है। और कल रात के टाइम पे इतनी खतरनाक बारिश लगी कि कल रात को डर भी लग रहा था कि ये कहीं यहाँ पे ना कहीं से पत्थर वगैरह ना आ जाए, पर अभी सुबह के टाइम पे देखा तो बड़ा मस्त था, पीछे पूरा ग्राउंड वगैरह था, पर रात को इतनी खतरनाक बारिश लगी ना कसम से, बहुत ही खतरनाक। कल का स्टे था हमारा नेत्र गांव में, इन दो जगह पे हम लोगों ने टेंट वगैरह लगाया था और आज के नज़ारे देखो पूरे नेत्र गांव के, और गांव इधर नीचे है भाई। तो चलिए एक और ब्लॉक की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉक की शुरुआत हो रही है केदार वैली के नेत्र गांव से। तो फिलहाल अपना जो टेंट वगैरह है वो भी फूट कर दिया है, अब निकलते हैं अपने आगे के सफर में। बीच में घने घने जंगल हैं, बुग्याल हैं और अनेकों झरने हैं, और कुछ इस टाइप से ये ट्रैक पूरा होता है खाम बुग्याल तक, और उसके बाद वहाँ से केदारनाथ या रामबाड़ा निकल जाते हैं। हम लोगों को रास्ता पता नहीं था तो इसलिए हम लोग वापसी आ गए। आजकल कोहरा वगैरह लगा है तो इसलिए रास्ता वगैरह पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम लोग भी वापसी हो गए। और इस जगह को भी बवाई बोलते हैं, निकलते हैं अपने गाँव दैड़ा गाँव के लिए और अपनी चोपता वैली के लिए। और ये वाले चावल ना पक्षियों के लिए काम आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास बचे हुए हैं, तो ऐसे ही फेंकना भी सही नहीं है। अब निकल चुके हैं हम लोग भी नेत्र गांव से अपने गांव, अपने वैली चोपता वैली के लिए। चलो चलते हैं और इस जगह को भी बबाई बोलते हैं, आएंगे फिर कभी, ये वाला ट्रैक पूरा तो करना ही है। ओ, नरेंद्र भाई कैसा रहा ये ट्रैक? बहुत अच्छा। सुबोध भाई बहुत मजेदार रहा, आपके साथ मजा आया यार। और केदारनाथ के लिए हमारा जो ट्रैक शुरू हुआ था वो इस जगह से हुआ था और ठीक इस जगह पे जाना था, बाकी ट्रैक तो कंप्लीट नहीं हुआ, पर चलते हैं अपने घर के लिए। आजकल पहाड़ों में थोड़ा बहुत दिक्कतें ये होती हैं कि बारिश के टाइम पे जो नई नई जगह रहती है वहाँ पे टूटने का खतरा बना रहता है। और ठीक सामने देखिए पूरी जो वैली है खुली खुली सी है, और यहाँ से उकी मठ हो गया आपका, गुप्तकाशी, काली मठ, कोणजेटी, ये सारे गांव दिखने लगे हैं और मस्त करके क्लाउड भी लगे हुए हैं यहाँ पे हल्के हल्के। कुछ इस टाइप से आजकल मानसून के टाइम पे पहाड़ों में ना नज़ारे बने रहते हैं। पहाड़ों में कुछ इस टाइप से जो दिक्कतें हैं वो होती हैं, पर अभी ये नई नई कटिंग हुई है ना, तो इस वजह से ये पूरा टूट गया है और यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखा है। और यहाँ पे जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको यहाँ पे ना लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और तब जाके वो कोटमा पहुँचते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है बच्चों को स्कूल, और ये दिक्कतें तो है ही। सुबह 7 बजे के टाइम पे बच्चे लगा लो कितने बजे निकल जाते होंगे, और तब जाके टाइम पे स्कूल पहुंचना है, और फिर दिन को तो खैर 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो फाइनली गाड़ी भी मिल चुकी है, जो भैया हमारे साथ पहले दिन से लगे हुए थे उन्होंने गाड़ी पहले ही एडवांस में करी हुई थी। और यहाँ पे गाड़ी की बड़ी दिक्कत है, सुबह 7 बजे या 8 बजे मिल जाती है, उसके बाद गाड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस गाड़ी में हमें गुप्तकाशी तक जाना होगा।
अभी हम लोग भी गुप्तकाशी के पास में पहुंच गए हैं। पहुंचते ही चाय और बंद का मजा ले रहे हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और बाकी सामने देखिए उकीमट मार्केट, बड़ा गजब का लग रहा है और साथ में क्लाउड हैं तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वाला रास्ता है आपका कालीमठ के लिए और ये वाला है आपका केदार वैली के लिए। तो अभी मैं भी पहुंच चुका हूं कुंड पे और यहां से मुझे फ्यूल अप करवाना है क्योंकि रुद्रा काफ़ी टाइम से भूखी है, किसको ना तेल वगैरह डाला नहीं है, आज इसका भी फ्यूल अप करवा देते हैं। अब आजकल पहाड़ों में खतरनाक वाली बारिश हो रही है तो देखो कुछ इस टाइप से रास्ते बंद हुए रहते हैं। ये बड़ा सा पत्थर इधर ऊपर से निकल के बीच रोड में आ गया है। इधर नीचे के साइड देखिए मधुगंगा नदी बिल्कुल मटमैली हो रुकी है और हम लोग जस्ट अभी इस रास्ते से आए गुप्तकाशी से होते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। और आजकल पहाड़ों के नज़ारे बड़े मस्त से बने हुए हैं। तो चलो फिलहाल टाइम हो चुका है अभी ब्रेकफास्ट करने का, सुबह से कुछ खाया नहीं था, गुप्तकाशी में चाय पी, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैगी है और बंद वगैरह है और बाकी मैंने लिया है ज़ीरा क्योंकि मैं हमेशा इसी को पीता हूँ। मैं भी कैलाश भाई से विदा लेता हूँ, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। अभी मैं भी चोपता वैली के लिए निकल चुका हूँ। अभी के नज़ारे इतने गजब के नज़ारे हैं, हल्की सी धूप लगी हुई है। इधर के साइड के नज़ारे देखिए, पलद्वाड़ी हो गया, परखंडी, इस साइड के गजब के नज़ारे बने हुए हैं। हल्के हल्के क्लाउड लगे हुए हैं, आजकल मानसून के टाइम पे कुछ इसी टाइप के नज़ारे देखने को मिलते हैं पहाड़ों में, बड़े गजब के नज़ारे हैं। अब यहाँ से सुबोध भाई निकल जाएंगे सारी के लिए, मिलेंगे फिर जल्द। अब देखो छोटू भी आ गया स्कूल से और इसको भी मैं अपने साथ लेके आ गया। हाय छोटू, कैसे हो? और अब छोटू औरों की भी छुट्टी हो चुकी है। आज स्कूल में क्या पढ़ा? ABCD, हाँ? 1, 2, हाँ? अच्छा, सारे याद कर लिए? हाँ? याद कर लिए। अब जैसे ही ट्रैक से मैं भी घर पहुंचा, आया और एकदम से नहा लिया क्योंकि ना ट्रैक में पसीने से बहुत बुरी हालत हो रही थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना वो पसीने की, लगभग 3-4 दिन से हम लोग नहाए नहीं थे। आते ही जो बैग वगैरह है, जो कपड़े वगैरह है, उनको भी धोना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर से ट्रैक हो सकता है, तो इसलिए अपने जो ट्रैक के जितने भी कपड़े हैं सबको धो के एकदम सुखा के बिल्कुल तैयार रख लेंगे क्योंकि कभी भी ट्रैक का प्लान बन सकता है, तो इसलिए अपना सारा सामान रेडी हो तो एकदम से जाने के लिए होता है। और अभी टाइम हो चुका है लंच वगैरह करने का, बाकी 2:30 तो बच चुका है और जो कपड़े वगैरह मैंने ट्रैक पे ले गया था ना वो कपड़े भी धो के सुखाने के लिए डाले हुए हैं। चोपता वैली का मौसम कुछ इस टाइप से बना हुआ है, बाकी ये देखो नज़ारे कुछ इस टाइप से बने हुए हैं, बाकी तुंगनाथ साइड से देखो बारिश भी शुरू होने वाली है। अब लंच वगैरह कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी है। जिस दिन मैं गया था उस दिन ये वाला चूल्हा ना अच्छे से सूखा नहीं था, भले ही अभी भी नहीं सूखा है पर बट खाने बनाने लायक तो हो चुका है। और आज खाने में स्पेशल है कढ़ी हो गया, चावल हो गया और हरी मिर्च वो भी भुनी हुई, तो आज मेरी फेवरेट कढ़ी चावल है। बस करके कढ़ी चावल का मज़ा लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद कढ़ी खाने को मिल रही है और वो भी अपने घर पर।
शाम का भी 6 बज चुका है और मैं भी अब जाके उठ रहा हूँ। अभी देखो बारिश शुरू हो चुकी है, लगभग शाम के 3-4 बजे से बारिश ना शुरू हो चुकी थी और सामने के गांव में देखो क्लाउड लग चुके हैं और आज शायद से रात भर बारिश ऐसे ही रहेगी। और रात के खाने की तैयारियां एक साइड से शुरू होने लगी है, शाम के 6 बज चुका है। छोटों को भूख भी लगी, भूख लग गई, वो खाना खा रहा है अभी। धीरे धीरे इसी टाइप का माहौल देखने को मिलेगा, बारिश बारिश बारिश। और आज तक होता था कि बारिश नहीं हो रही है, अब ऐसा होगा कि ये बारिश बंद ही नहीं, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मैं घर पहुंचा था उसी टाइम से बारिश शुरू हो गई थी, अभी तक बारिश ने बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। बाकी पूरा ना चोपता वैली में कोहरा लग चुका है, सामने के गांव पता ही नहीं चल रहा कि इधर सामने कुछ गांव भी है या पहाड़ वगैरह, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 8:30 हो गया है, अभी तक मैं ब्लॉग वगैरह एडिट करने पे लगा था। जो कल परसों हमने चौमासी से केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू किया था वो पहला ब्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसी पे लगा हुआ था। बाकी होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय बाय।